मोहतरम सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्तकबाल है आपका निदा मीडिया यूट्यूब चैनल पर। नाजरीन, इस वक्त सबसे बड़ी अहम खबर निकल कर सामने आ रही है देवबंद से। नाजरीन, देवबंद असेंबली हल्के सीट पर जिस तरीके से बीजेपी की बौखलाहट तेज हुई है, वहीं अखिलेश यादव भी बौखला रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की बौखलाहट, गृह मंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह कल शनिवार को देवबंद पहुंचेंगे और यहाँ बीजेपी का डोर टू डोर चुनाव प्रचार करेंगे, यानी घर घर जाकर जो है बीजेपी वोट मांगेगी। और क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना उम्मीदवार वहां पर मौलाना उमेर मदनी को बनाया, इस वजह से बीजेपी की बौखलाहट तेज हुई। इस संबंध में आला अधिकारियों ने शुक्रवार को देवबंद पहुंचकर सुरक्षा और रोड को जो है डाइवर्ट किया। आपको बता दें कि सहारनपुर के एसएसपी आकेश तोमर ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर से बाय रोड देवबंद पहुंचेंगे और यहां डोर टू डोर लोगों से संपर्क करने का उनका कार्यक्रम है। नाजरीन, आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जैसे ही अपने उम्मीदवार का ऐलान किया तो बीजेपी की बौखलाहट तेज हुई। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, वहां के जो विधायक हैं बृजेश सिंह, उनको गांव से खदेड़ खदेड़ कर और गाली गलौज कर भगाया जा रहा है। तो इसके ताल्लुक से जो है अमित शाह वो अब घर घर जाकर वोट मांगेंगे, लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं अपील करना चाहता हूं मुस्लिम वोटर्स से कि मुस्लिम वोटर्स को चाहिए कि वह अपना एक तरफा वोट डालें, एक तरफा अपने उम्मीदवार को कामयाब बनाए, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को वहां पर कामयाब बनाने की कोशिश करें, नहीं तो फिर से बीजेपी का विधायक वहां पर बन सकता है। क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन लगातार कोशिश कर रही है कि देवबंद एक ऐसा इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका है, और वहाँ पर एशिया का अजीम दीनी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद मौजूद है। अगर कोई भी वहाँ पर ज़ायरीन आते हैं तो यही सवाल करते हैं कि आखिरकार देवबंद में मुसलमानों का इत्तेहाद नहीं कायम हो सकता तो कहाँ कायम हो सकता है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक काफ़ी तबसरे चल रहे हैं कि देवबंद के अवाम अगर इस बार ना समझी तो कभी नहीं समझ सकी। क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने अपना ऐसा उम्मीदवार देवबंद के अवाम को दिया है ताकि देवबंद के लोग जो हैं वहां पर अपना विधायक बना सके और अपना विकास कर सके। तो नाज़रीन, आप इस वीडियो को किस निगाह से देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि बीजेपी की बौखलाहट मजलिस से काफी घबराई हुई है बीजेपी, और वहां पर खुद स्टार प्रचारक अमित शाह गृह मंत्री को जाना पड़ रहा है और घर घर जाकर वोट मांगना पड़ रहा है। आखिरकार मजलिस ने इन लोगों को मजबूर कर दिया, तो इस मजबूर को लेकर आप लोग फायदा उठाइए और अपना विधायक वहां पर बनाइए। तो नाज़रीन, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया।